गुलबर्गा शहर के हागरगा क्रॉस रिंग रोड पर आम आदमी पार्टी गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए एस्पिरेंट सज्जाद अली नामदार टीम की मेहनत से ऑटो स्टैंड बनाया गया है। हागरगा क्रॉस पर बढ़ती ट्रैफिक और ऑटो ड्राइवर्स की परेशानी को देख सज्जाद अली नामदार टीम ने ट्रैफिक पुलिस और ऑटो ड्राइवर्स के साथ सर्वे कर ऑटो स्टैंड बनाने का मुतालबा किया था। सज्जाद अली नामदार की कोशिशों से आज हागरगा क्रॉस रिंग रोड पर ऑटो स्टैंड बनाया गया, जिससे तमाम ऑटो ड्राइवर्स काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। गुलबर्गा शहर में ऐसे कई सर्कल चौराहे मौजूद हैं जहां ऑटो स्टैंड ना होने की वजह से ऑटो ड्राइवर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सज्जाद अली नामदार ने कहा, ऑटो ड्राइवर्स आवाम की खिदमत करते हैं, इनकी इज्जत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर सज्जाद अली नामदार के साथ दीगर आम आदमी पार्टी लीडर्स और ऑटो विंग के जिम्मेदार मौजूद थे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मनियालिन ओपन बेड एसी एंड नॉन एसी लॉज वाईफाई कनेक्शन फैसिलिटी सेपरेट लॉकर 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर डिलक्स स्टे एंड मच मोर एड्रेस सुपरमार्केट अपोजिट चेतन स्कूल गुलबर्गा। हमने हुमनाबाद सर्कल का ऑटो स्टैंड के ओपनिंग के बाद आज यहाँ के मेरे ऑटो के भाइयों के इसरार पर डिमांड पर हागरगा क्रॉस पे एक ऑटो स्टैंड आज हम ओपनिंग करने जा रहे हैं। यहाँ के ऑटो वाले ये हागरगा क्रॉस पे रोड पे ठहरते थे और रोड पे ठहरने के वजह से क्योंकि उनको जगह नहीं था ठहरने के लिए रोड के ठहरने के वजह से सारी ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो रही थी। ट्रैफिक जब भी जाम होती थी तो छिड़कियाँ ऑटो वालों को खाना पड़ता था, मजबूर ने गलती किसी की भी हो आज ऑटो वालों को जो है ना टारगेट बनाया जाता है लोगों की वजह से। तो मैं तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ सारे अवाम से और जो ट्रैवल करने वाले पैसेंजर से भी मेरी गुजारिश है, ऑटो ड्राइवर बोले तो वो भी एक पुलिस के बाद गवर्नमेंट महकमा के बाद तुम्हारी खिदमत करने वाले सच्चे मन से खिदमत करने वाले कौन है तो वो ऑटो ड्राइवर्स हैं। वो ऑटो ड्राइवर्स हैं। रात हो दिन हो बारिश हो धूप हो क्या भी हो जब तुम आते हैं कहीं जाना है अर्जेंट तो वो आपको आपके सफ़र पे यहाँ से मंजिल शुरुआत से लेकर आपके मंजिल तक आप छोड़ के जो है ना आपके आपकी मंजिल को पहुँचाने का काम करते हैं, ये भी एक बड़ी खिदमत है। तो यहाँ पर उस तरफ ये बस स्टॉप है, सिटी बस स्टॉप है, वो सिटी बस स्टॉप के वजह से भी यहाँ देखो अभी कितनी ट्रैफिक जाम हुई है। अगर सिटी बस वहाँ ठहरी तो सारी ट्रैफिक जाम होती है, एक एक घंटे तक ट्रैफिक यहाँ पर जाम रहती है। तो मैंने डिविजनल कंट्रोलर से अपील की है, रिक्वेस्ट किया है, मैं मेरी टीम हमारे गुलाम रसूल साहब कोऑर्डिनेटर साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी आलम साहब डॉक्टर आलम साहब और हमारे संध्या राज जी और दूसरे हमारे हरवार साहब हम सब मिलके डिविजनल कंट्रोलर को बोले हैं वो आके इंस्पेक्शन करेगा, वो जल्द से जल्द उस जो है ना ऑटो स्टैंड को निकाल दिया जाएगा, वहाँ भी एक ऑटो स्टैंड होगा। अभी ये सर्विस रोड के ऊपर है ऑटो स्टैंड, जब सर्विस रोड बनेगी तो डिप्टी कमिश्नर से अप्रोल लेके परमानेंट ऑटो स्टैंड ये हागरगा सर्कल के राइट में और लेफ्ट में यानी दोनों तरफ में ऑटो उधर 10 ऑटो इधर 10 ऑटो का और बहुत ज़रूरी है ये बनाना ऑटो स्टैंड। मैं ये ऑटो स्टैंड आपको यहाँ के ऑटो भाइयों को मैं बना के दूँगा और आपसे मेरी गुजारिश है, मैंने जिस तरह से अवाम से वादा किया है अवाम को बताया है कि ऑटो ड्राइवर की खिदमत क्या होते हैं तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए हर एक के साथ भाईचारगी का सलूक करें, मोहब्बत से पेश आएं और जो है ना कानून के बाला कानून को अपने दायरे में रखते हुए उन्हें अवाम की आप जो है ना मदद करें। ये हमारे सब ऑटो के भाई हम खाकी में रहते हैं, खाकी ड्रेस पहनने से शर्म नहीं। मैं भी आज जो कुछ हूँ जहाँ तक पहुँचा हूँ जिस मुकाम पर हूँ अल्लाह ताला मुझे जो पोजीशन दिया ये खाकी के वजह से हूँ मैं आज उस खाकी पे मेरा फख्र है गर्व करता हूँ। खाकी एक बहुत पवित्र चीज कपड़ा है, इसको अगर सही इस्तेमाल करेंगे इसको पहन कर जो है ना
सच्चे मन से अगर जनता की सेवा करेंगे तो आप होली मैन बन जाएंगे, आप होली मैन, यू विल बिकम होली मैन, यू प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ हु आर वियरिंग खाकी वर्दी, दिस इज माय मैसेज टू वन एंड ऑल, थैंक यू, सबको मुबारकबाद। आज यहाँ के तमाम लोगों को, आज यहाँ पर हमारे ऑटो विंग के नॉर्थ के प्रेसिडेंट हैं जनाब आरिफ अहमद साहब, और वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे नज़ीर भाई साहब, सेक्रेटरी अमीर साहब, अमीर, ये सब मिलकर जो है ना एक ऑटो की बड़ी टीम बनाएंगे शहर में, बहुत डिसिप्लिन से करेंगे, ऑटो वालों का एक बड़ा फंक्शन करेंगे हम गुलबर्गा में। मैं नॉर्थ का ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट आम आदमी, मैं भी एक ऑटो चलाता था, मेरे को आम आदमी पार्टी जो है एक पोस्ट से नवाजा, उनके साथ मैं उनका कार्यकर्ता होकर काम कर रहा हूँ। तमाम गुलबर्गे में ऑटो वालों को जहीं कहीं भी परेशानी है तो हमारे सज्जद अली इनामदार साहब को कॉन्टेक्ट करो, उस मसले का हल निकालेंगे। हाँ, इससे पहले हागरगा किराज पे भी बहुत ट्रैफिक का मसला हो रहा था, बहुत कंप्लेंट ड्राइवर आगे आ रहे थे कि हमको ऑटो स्टैंड होना, भाई बोल को जा को फिर को थक को गए, काम नहीं हुआ। हमारे सज्जद अली साहब के पास उनको कॉन्ट्रैक्टर को उनको बुला को विजिट करें, बताए देखे परसों देखे, आज हमारे को ऑटो स्टैंड हुआ। तो यहाँ के तमाम ऑटो वाले से गुजारिश है, आप लोग लाइन लगा कर ठहरो, अगर कोई ऑब्जेक्शन कॉम्प्लेक्स वाला अगर करा तो साहब को फ़ोन करो, उन्होंने आकर बात करेंगे, मगर तुम भी जो है किसी को तकलीफ दिए जैसा काम मत करो, लाइन लगा को ठहरो, जहाँ बोले वहाँ किराया लेकर जो, मगर किसी को ऑब्जेक्शन जैसा मौका मत दियो। आम आदमी पार्टी हर किसी का काम करती है, आपका काम अगर गुलबर्गे में अगर कोई ऑटो ड्राइवर का अगर है तो साहब को कॉन्ट्रैक्ट करो, हम आएंगे वहाँ आकर क्या है क्या नहीं देखकर काम करेंगे। पहले आम आदमी पार्टी जो है ऑटो ड्राइवरों से गुलबर्गे में एक मुहिम चलाई हुई है कि पहले हम ऑटो ड्राइवर को लेकर इस काम आगे बढ़ेंगे बोलकर, उस तरीके से साहब ऑटो ड्राइवर को लेकर अपना काम कर रहे हैं और भी दूसरे का कर रहे हैं। हम चाहते हैं आम आदमी को जुड़ कर ऑटो ड्राइवर सपोर्ट करो। हमने अभी तक जो एसेंशियल सर्विस दवाखाना पानी इसको बोले थे, सबसे प्रोवाइड में एसेंशियल सर्विस है तो ऑटो ड्राइवर की है, ऑटो ड्राइवर बहुत एसेंशियल सर्विस है, इस वजह से हम पूरी हर काम में हमारे हर टाइम में हम एमरजेंसी में काम आते हैं। अब तक उनको जो है हम गौर नहीं करे, आज हमारे आम आदमी पार्टी उनके हर परेशानियों को उनके फिक्र होंगे उनकी सोच को हम मदद कर रहे हैं, और जो है आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में बदलाव लाने के लिए ऑटो वाले का बहुत बड़ा हाथ था, ये ऑटो वाले आम आदमी के टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उन वजह से सारे लोगों को बहुत से मदद मिले। अब यही गुजारिश करता हूँ, जितने 12,000 से ज़्यादा जो ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं और रोड पे कारोबार करने वाले हैं, सेंटरिंग वाले, ये सब हमारे पार्टी से जुड़ जाइए, हम एक होकर हर मिसाइल को हम हल करेंगे। और आपने जैसा कि देखा, 2-3 दिन के अंदर में ये प्रॉब्लम को हम लोगों ने अंजाम तक पहुंचा दिया, और इसके पीछे हमारे डायनेमिक हमारे सज्जाद अली इनामदार साहब और उनके साथ हमारी टीम पूरे के पूरे लोग जो है ना, हम लोग सब लोग मिल कर करके, जब तक हम लोग मिल कर करके काम नहीं करेंगे हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं है। आज हम आप लोगों को सब लोगों को दावत देते हैं कि आम आदमी के प्लेटफॉर्म से आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेके आइए, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि दिल्ली का मॉडल या पंजाब का मॉडल, क्यों नहीं हम लोग जो है ना गुलबर्गा में भी जो है ना वो मॉडल हम लेके आएंगे। इंशाल्लाह हम लोग अगर यूनाइट हो जाएंगे तो हमारा जो है ये गुलबर्गा शहर भी एक विकसित शहर बन जाएगा। आम पार्टी वाले का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हागर क्रॉस पे हमको ऑटो स्टैंड बनाकर दिए। तकलीफ थी जो ट्रैफिक की वजह से हर किसी के गाड़ियों में बातें सुनना पड़ता था, और आम पार्टी वाले का बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। हमारे को यहाँ पर बहुत तकलीफ थी, हागर क्रॉस पे रोड पे गाड़ी लगाए बोले तो हमारे को पुलिस वाला हटाओ बोल के बोलते थे, ये तो और कोई भी आए तो ये चरे बाबा बाजू ले बोलते थे। अब वो हमारे सज्जद अली साहब को आम पार्टी को हम बुला के ऑटो स्टैंड के लिए रिक्वेस्ट करें तो आके साहब हमारी मदद किए और आके स्टैंड की ओपनिंग की दिए और अच्छा काम किया हमारे वास्ते। सज्जद अली साहब ने आया आके है ना, ज़रूरी काम जो हमारा था वो काम हमारे लिए करिए, और ज़रूरी था ये हमारे लिए बहुत करने के लिए काम ये। आप आके आम आदमी पार्टी को हम बोल दिए और इमीडिएटली एक्शन ले लिया उन्होंने हमारे लिए बहुत इजी ये करके, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आम आदमी पार्टी का।